लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच बाड़मेर जिले में एक तांत्रिक की घिनौनी करतूत सामने आई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से इलाज करने के नाम पर इस विवाहिता की आबरू ही लूट ली। घटना धोरी मना इलाके की है, जहाँ की रहने वाली ये महिला कई महीनों से बीमार चल रही थी, लेकिन घर वालों ने इसका डॉक्टरों से इलाज करवाने की बजाय इसे पास के ही एक तांत्रिक को दिखाया। पहले तो तांत्रिक ने इस महिला को घर में नारियल रखने की सलाह दी। इसके बाद ये अचानक से महिला के घर पहुंच गया और इस पर प्रेत आत्मा का साया होने की बात कहकर घर वालों को भी अपने झांसे में ले लिया। लॉकडाउन के सन्नाटे में रात के वक्त महिला और उसके पति को अपने साथ शमशान की ओर लेकर गया। तांत्रिक ने महिला के पति को शमशान से 1 किलोमीटर पहले सड़क पर ही रुकने को कहा। इसके बाद महिला को अपने साथ लेकर चला गया। रात के अंधेरे में उसने महिला को चाकू दिखाकर डराया, धमकाया और फिर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दे डाला। कल दिन में एक विवाहिता ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका शरीर ठीक नहीं रहने की वजह से वो किसी भोपा से तांती बंधवाती थी और तांती बंधवाने के बाद में भोपा ने दूध निकालने की बात को लेकर के किसी नाडी में चलने की बात कही। उसके पति को वो साथ लेकर के वो नाडी में गई और नाडी में उसने भोपा ने पति को कहा कि 1 किलोमीटर दूर रहना होगा, जिस पर पति 1 किलोमीटर दूर था और महिला के साथ में उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है, बाकी जाँच। घर वालों की तहरीर पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि बाड़मेर जिला पश्चिमी राजस्थान का वो इलाका है जहां आज भी ऐसे हजारों अशिक्षित परिवार रहते हैं जो कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में आसानी से आ जाते हैं और ऐसा करके ये अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश भोरा की रिपोर्ट।